लाइफ में काफ़ी बार हम प्लान कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है, और जब हमारे ये प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं तो हम बौखला जाते हैं। इस बौखलाहट के चलते हम लोग काफ़ी बार कुछ गलत कर जाते हैं। सही और गलत का फ़र्क हमें समझ में नहीं आता है, और इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे काम पे, मतलब हमारे कर्म पे। ये आज का जो व्लॉग है ये एक ऐसा ही एक इंस्टेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई वॉज इन अमरावती इन नवम्बर 2021। दिवाली के बाद अमरावती में थे हम लोग, एंड वी वर एंजॉइंग अवर दिवाली वेकेशंस बीइंग विद पेरेंट्स। वी हैड प्लान्स टू गो टू नागपुर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शॉपिंग ऑन 14th एंड 15th ऑफ नवम्बर, और फिर ऑल ऑफ द सडन 13th नवम्बर को अमरावती में होता है कम्यूनल राइड। सो आप सभी को पता होगा कि कुछ गलत फहमी के चलते जो कि त्रिपुरा में हुई थी, उस गलत फहमी के चलते अमरावती में कम्युनल राइट्स हो गए और कर्फ्यू इम्पोज हो गया। इस कर्फ्यू के बीच में हम 14th नवंबर को अमरावती से नागपुर चले गए, बिकॉज अमरावती में सारे इंटरनेट्स बंद कर दिए गए थे और उसके वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। और एक चीज़ हम लोग हमेशा मानते हैं, कर्म सबसे ऊपर है। सो हमारी क्लासेस लेने के लिए हम लोग चले गए अमरावती से नागपुर, एंड दिस व्लॉग इज जस्ट द स्ट्रगल देयर आफ्टर। वी प्लान टू रिटर्न बैक ऑन 16th, बट वी कुडंट रिटर्न बैक बिकॉज द कर्फ्यू वॉज एक्सटेंडेड, द इंटरनेट सर्विसेज वर स्टिल स्टॉप्ड इन अमरावती। सो किस तरीके से हम इस पूरी सिचुएशन से बाहर आए, इसको मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए इन दिस व्लॉग। जस्ट वॉच एंड एंजॉय। We are looking for 613. नागपुर का VR मॉल और बहुत ही अमेजिंग जगह है। एक्चुअली मॉल तो सिर्फ एक बहाना है, बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो लेट्स सी एंड लेट्स। तो हम अभी यहाँ पे आए नागपुर के VR मॉल में और एंटरटेनमेंट के लिए। सो वी वर इन अमरावती और बच्चे काफ़ी बोर हो गए थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत धूल मिट्टी में थे। तो हमने कहा लेट्स ड्राइव टू नागपुर, घर वाले सब शॉपिंग कर लेंगे, बच्चे सब एंटरटेन कर लेंगे। सो वी आर इन VR मॉल नाउ और देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ गेमिंग एक्टिविटीज आर देयर ओवर हियर। फाइनली यस DIG सर, 15 मिनट से आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं हम बाहर। क्या बात कर रहे हैं, मैं बस क्लास में था तो नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन लेने वाला था IG सर कोड यूज करके। सो इंद्रेश गांधी सर,
अरे ये तो जबरदस्त, यहाँ नहीं एक बार वापस हो जाए। तो भैया जोमेटो वाले भैया है, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल भैया है। तो अनअकैडमी का नया टी शर्ट पहन के आप यहाँ देख सकते हैं, जैक एंड जोन्स का टी शर्ट जबरदस्त। और ये है आईजी सर का स्टूडियो, तो यही वो स्टूडियो है जहाँ से इतिहास रचा जाता है। छतरी लगा के पढ़ाते हैं भैया, आप देख सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो गाइस, सो फिर अब हम लोगों का यहाँ पे एक जॉइंट सेशन था इंद्रेश सर के साथ। आज इंद्रेश सर के स्टूडियो से मैं, स्वाति मैम और इंद्रेश सर यहाँ पे है। सर का स्टूडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो व्हाट एन अमेजिंग सेशन वी हैड ऑन सीए फाउंडेशन प्रो। सो मजा आ गया वो सेशन लेके, तीनों जने साथ में थे एक ही फ्रेम के अंदर। कैसा लगा सर? सर बहुत मजा आया, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग थी मेरे लिए। सो बहुत ही अमेजिंग था। तो यार यू नो ये बहुत सही चीज होती है कि आप लोग अगर अपने काम के लिए कमिटेड हो ना, तो नो मैटर आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आप अपने काम को हमेशा अपने साथ ले जाते हो। लेकिन अगर आप किसी काम को बर्डन समझ लेते हो ना, तो आप उस काम को कभी अपने साथ नहीं ले जाना चाहोगे। तो वी ऑल टीचर्स आर पैशनेटली टीचर्स एंड देयरफॉर इट बिकेम आवर प्रोफेशन। So we are for dinner with all the team members. बहुत ही amazing evening है यहाँ पे spend कर रहे हैं सब लोगों के साथ में। और ये नवविवाहित युगल सिंगल, नवविवाहित सिंगल मुनीष वोरा सर है यहाँ पे अब मेरे साथ में, और सभी लोग हैं, स्वाति मैम भी है यहाँ पे, और फिर सिंगल जोन सिंगल ये सोचना पड़ेगा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये सिंगल नहीं है। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बहुत मजा आ रहा है हम लोग यहाँ पे। इट वाज ऑल स्टार्टर्स यू नो डिनर, ऑल स्टार्टर्स डिनर। और आईजी सर के ग्लास में क्या, मैं बॉटल के पीछे छुपा लेता हूँ, आपको नहीं दिखाते, इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और ये हम लोग कप में लेते हैं, यहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी, छोड़ लेना। हाँ यार यहाँ पानी पी सकते हैं, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। और कुणाल सर को आप जानते हैं ना, कुणाल सर इंटरमीडिएट में। अच्छा सर आपने आपने बताया नहीं आपका हॉस्पिटल भी है, मतलब है क्या सर, आप क्या कर क्या रहे हैं सर आप? तो बहुत पहुंची भी हस्ती, और ये स्पेशल अपीयरेंस में आप यहाँ देख रहे हैं काजू सर। एनपीएस अकाउंट इनका क्लोज होने वाला है दो दिन बाद, एनपीएस पीपीएफ सब क्लोज होने वाला है, रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट है, पैसों का भंडार लगाए सर तो, पैसों का भंडार लगाए सर तो। गाइस आप सोच नहीं सकते यार क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे रिवेलेशन हो रहे हैं। कुछ स्टोरी बता रहे थे कुछ अभी मजा आएगा ना भिड़ो क्या कुछ आपके दो स्टूडेंट्स थे जो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। ऐसी मस्ती चलती रह रही है, ये मस्ती को हम रखते हैं कंटिन्यू, आपको मैं वापस कनेक्ट करूंगा व्लॉग में बाद में। थैंक यू। फाइनली मेरी आज की क्लास हो गई है यहाँ पे, लास्ट डे इन नागपुर, एंड वी एक्चुअली थॉट कि एक्चुअली लास्ट डे होगा और यहाँ से हम लोग अमरावती जाएंगे और आगे की क्लासेस अमरावती से लेंगे, बट सोचा नहीं था दैट हम लोगों को ऑल ऑफ द सडन बैंगलोर जाना पड़ेगा। सो अमरावती में कर्फ्यू बढ़ गया है, इंटरनेट सर्विसेज है बिल्कुल बंद पूरी तरह। सो होटल भी मेरिडियन में है हम लोग अभी, और यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। 8 to 10 की मेरी क्लास थी, क्लास खत्म हो गई है, चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे अमरावती। एंड अमरावती जाने के बाद पूरी पैकिंग करनी है आज का पूरा दिन, और कल वापस सुबह नागपुर के लिए निकलना है, और नागपुर से कल है फ्लाइट बैंगलोर।
Are you crying? आप रो रहे हो? ये कौन छोटे से बच्चे हैं? ये कौन छोटे से बच्चे हैं? ये रो रहे हैं क्या? ये छोटे से बच्चे कौन से हैं? ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये छोटे से बच्चे कौन से बच्चे हैं? ये रो रहे हैं क्या? Is it Divit Agrawal? नहीं हट जा बेटा, वो मारेगा। हट जा, हट जा, हट जा। मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है। करना पड़ता है। So he is Vivan Agrawal and he is Divit Agrawal. Vivan Agrawal, Divit Agrawal. Divit Agrawal, Vivan. Vivi, Divi, Vivi, Divi, Vivi, Divi, Vivi, Divi, Vivi. अरे बात कर भाई। So finally, don't know what to say about it. इसको मैं trip कहूँ, vacation कहूँ, मैं इसको बसेरा कहूँ, मुझे नहीं पता. But ये अब end होने जा रहा है. और बहुत सी मिक्सी फीलिंग है यार कि यू नो ओरिजिनल प्लान था हम लोगों का बैंगलोर जाने का 23 को, और उसके हिसाब से मेरी सिस्टर भी आई थी, उसका बर्थडे है 20th नवंबर को. तो हम लोगों ने सोचा था इस बार हम लोग साथ में बनाएंगे बर्थडे, बिकॉज की शादी को भी 5 साल हो गए, तो वी हैवंट गॉट चांस टू सेलिब्रेट टुगेदर. तो इस बार मौका मिलेगा, साथ में बर्थडे बनाएंगे. और इतने प्लान्स हम बना रहे थे कल सुबह तक बर्थडे के, कि यहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए, है ना. तो अब हम लोग, मेरा क्लास हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, व्लॉग का वीडियो बनाना था, वो वीडियो बन चुका है. अब हम लोग यहाँ नागपुर से निकल रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट 11:30 नाउ, और अमरावती पहुँचेंगे 4-5 बजे तक. वहाँ पहुँचने के बाद पैकिंग करनी है और कल सुबह 7 बजे वापस निकलना है. तो मेरा ये जो व्लॉग है ना, इससे आप लोगों को पता है क्या सबक मिलता है, या मुझे, हम सब लोगों को क्या सीख मिलती है, कि लाइफ हमेशा वैसी नहीं चलती है जैसे हम प्लान करते हैं, है ना. ये चीज़ समझना, लाइफ हमेशा वैसी नहीं चलती है जैसे हम प्लान करते हैं, और हमें उस सिचुएशन में टूटना नहीं है जब हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है. जो लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं ना, स्पेशली अगर मैं मेरे बारे में बात करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके चलता हूँ, और अगर मेरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जो मैंने प्लान किया वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं बहुत बौखला जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ. आई फील वेरी बैड अबाउट इट. बट मुझे इस एपिसोड से, इस इंसिडेंट से ये चीज़ समझ में आई है कि लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है. लाइफ ऑलरेडी प्री डिटरमिंड होती है, हमको उसके हिसाब से चलना होता है. हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, हमारा टेस्ट होता है कि अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, और किस तरीके से सारी सिचुएशंस को टैकल करते हैं. सो ये मेरी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस ब्लॉग के थ्रू. और बस यही कहना चाहूँगा, स्टे स्ट्रॉन्ग इन वॉट एवर सिचुएशन यू हैव. आई नो इट्स वेरी ईजी टू से, बट इट्स इक्वली डिफिकल्ट. और ये डिफिकल्टी मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता था, एंड हेंस दिस ब्लॉग. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना. टारगेट है 31 दिसंबर तक 10,000 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू.